Solve 2x 2x 3y is equal to 11 and 4y the value of m for which y is equal to mx plus 3 करना क्या मैं आपको बताता हूँ देखिए आपको pair of linear equations given है उसको आप solve करिए उससे आपको x और y की value पता चलेगी इन दोनों equations को solve करने से आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता चलेगा उस एक्स और वाई की वैल्यू को आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री में जिससे आपको एम की वैल्यू पता चल जाएगी ठीक सो लेट एस ना मूव ऑन टू द सॉल्यूशन द गिवेन इक्वेशन एंड टू एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया नाउ कंसीडरिंग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज 2x एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू इलेवन इट कैन आल्सो बी री रिटर्न एज टू इज सॉरी 11 है 2x एक्स इज इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री जब 3y को आप RHS एच में ले जाएंगे तो वो सब होगा विच गिवस एस एक्स एज इलेवन माइनस ओवर तो ये x की वैल्यू आपको पता चल गई इन टर्म्स ऑफ y। नाउ सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू विल गेट द होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, जिससे आपको y पता चल जाएगा नाउ थ्री और वी कैन राइट टू x टू विच इज टू 2 माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस We get, let us see what we get. We get twice of x is what? 11 minus 3y over 2 minus 4y as such is equal to minus 24. This two, 2 cancel. two we can 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 27, which is equal to 11 minus 3y minus 4y is minus 7y is equal to minus 24. नाउ साइड चेंज करते हैं माइनस ट्वेंटी फोर को एल एच एस में ले आइए और सेवन वाई माइनस सेवन वाई को आर एच एस में तो ये मिलेगा आपको एज इलेवन प्लस इज इक्वल टू सेवन वाई एंड इलेवन प्लस इज थर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवन वाई ये सेवन लिखा तो इससे आपको वाई की वैल्यू पता चल गई ना सब्सिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई हेयर

so now we have y equals to mx plus 3 substituting the value of x and y we will get 5 is equal to m times of x is what minus 2 plus 3 which gives us 5 is equal to minus 2m plus 3 जब आप इस 3 को LHS में लेके जाएंगे तो 5 minus 3 से मिलेगा आपको 2 2 equal to minus 2m यहां implies that का symbol लगाना जरूरी है विच गिव सर एम एज माइनस वन ठीक आप देख सकते हैं टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो एम आपको मिल जाएगा एज माइनस वन तो फाइनली आपको एम कैलकुलेट करना था तो आपने निकाल दिया एज माइनस वन सो दिस कंप्लीट सर सोल्यूशन लेट नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन